परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुर जी का खास रूप गुरु खालसा सतसंग जी अज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी उन्हां दा शहादत वाला दिन है, शहीदी दिन है। सतगुरु महाराज की लाशानी अदुती शहादत नूं मुख रखदे आं। महाराज ने जो सेवा बख्शी है भाई जोगा सिंह पुत्र सरदार दर्शन सिंह परिवार तो महाराज ने सेवा ली, क्योंकि जे गुरु की कृपा हो महाराज सेवा लेंदे ने। सतसंग जी किसी तो भी लै सकते ने, माई भाई गुरसिखां तो। सो सतसंग जी सानू चाहिए है भी गुरुआं दे घट्टो घट दस गुरुआं दे एक नगर दे विच सत्तर कु घर तो आराम नाल हुंदे ही ने, पंजा सठ सत्तर कईआं च वध भी हुंदे ने। जे एक घर नहीं तो दो दो घर चार चार घर मिलके भी एक गुरपुरब लैना गुरु दा आराम नाल बड़े सौखे तरीके नाल मना सकदे ने, वड्डी गल नहीं। जे सिख पार्टी फंक्शन कर सकता है कि गुरु का गुरपुरब भी मना सकता है, जे प्रेम है तो मना सकता है। सास नहीं कोई वड्डी गल, माड़ा जा इंसान बीमार हो जाए दस भी पता ही नहीं लगता है। इस करके इधर तो फिर लिखे जे पैने हुण दस गुरुआं विचों आपां किन्ने मनाउने आ, मसीह पंज गुरियां नूं मनांदे होवांगे ते बाकी पंज। इस करके सानू पता नहीं गुरु इतिहास बारे, जरूर यतन करना चाहिए, वंड के सेवा लै लो। ये परिवार ने लै ली है, अगले गुरप गुरु अंगद देव महाराज का कभी नहीं मनाया गया जी, वो आप दूजा परिवार। गुरु अमरदास का नहीं कभी मनाया गया, गुरु रामदास का नहीं मनाया गया, गुरु हरगोबिंद महाराज का नहीं मनाया गया, गुरु हर राय का नहीं मनाया जाता, गुरु हर कृष्ण का नहीं मनाया जाता। किन्ने गुरु साहब ने यतन करना चाहिए, जरूरी है। सो सतसंग जी बड़ी श्रद्धा भावना नगर की नगर किला फार्म की जो तीन दिनों तो संगत हाजरिया भर के बाणी का पाठ श्रवण करके अपने समय और श्वासों तुसी लेखे भी चला रहे। अज भी बड़ी संगत ने हाजरी भरी, डेरिया तो भी संगत आई, नगर की संगत आई है, डेरे निवासी की भी संगत आई है। गुरु सारिया के नाम आप जानता है, गुरु अर्जन देव महाराज जिंदी शहादत को मुख रखद परिवारों ने बच्चों ने संगत ने हाजरियां भरियां। तुहाडे चरणों च बेनती है थोड़े जे मिनट तवज्जो जरूर दिओ। आपां गुरु अर्जन देव महाराज दा जिहड़ा शहादत दा इतिहास है तां लमेरा, पर कोशिश करांगे वी उहनूं शॉर्ट तरीके च, पर मेन मेन प्रमाण तां देणे पैंदे ने कि रीजन की कारण बने महाराज की शहादत दे। सो सतसंग जी धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कथा श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ तो शुरू होंदी है ना, इत्थों चंदू दीवान तो शुरू हो जाती है तसीआं वाली। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह का सपुत्र है साहबजादा धन धन गुरु अर्जन देव महाराज का, गुरु हर गोबिंद महाराज। भावें उम्र उन्होंने थोड़ी सी उदो नौ दे लगभग, पर नौ साल की उम्र में भी बड़ा कद काठ गुरु साहब का धन गुरु हर गोबिंद बड़े उच्चे लम्बे से महाराज, शरीर बड़ा बलवान से महाराज सच्चे पातशाह। इस करके इधर जिहड़ा दीवान चंदू है जहांगीर बादशाह का दीवान है खास बंदा। सो सतसंग जी उनकी बेटी सदा कौर वह भी वरजोग हुई है। हुण जदों धीआं वरजोग होंदियां ने तां घर वेखे जांदे ने, कुछ गल्लां रखियां जांदियां ने मुख, बच्चा सोहना होना चाहिए, जवान होना चाहिए, घर बार चंगा होना चाहिए, किहड़े उहदे चों पैंदा परिवार चों, इह जरूरी है ना वेंदे आपां। जे परिवार ठीक ना होवे कोई गलत होवे आपां करदे नहीं, वी धी दुखी रहेगी फलाणे दा टब्बर एवें दा,
वो कहिंदे परिवार भी वेखना कुल भी वेखनी उच्ची कुल होवे कोई माया की कमी ना उत्थे होवे सोहना भी पूरा होवे लड़का हुण इन्नियां गल्लां रख दित्तियां माया भी होवे घर बहर भी वड्डे वड्डे पाए होण सोहना भी होवे उच्चा लम्मा भी होवे कुल भी उच्ची होवे दुनिया च कुल भी ना होवे लागी उदों करदे सी रिश्ता जिथे लागी कर आउंदे सी फिर उत्थे ही हुंदा सी अज तां नहीं भी वेख के ते शाम नूं फोन मार देना सलाह जी नहीं बनी साडी इंसानियत खत्म होंदी जा रही है सत्संग अज छड्डे कल नूं साडी धी नूं भी कोई छड्ड सकदा वेखण ही उस हिसाब नाल जाणा चाहीदा भी साडे बच्चों का मेल मिलदा है अगले का मन ही ना टुटे सो सत्संग जी लागी गए ने पंडित लागी उदो रिश्ते वेखदे हुंदे घूमदे घुमांदे सारी दुनिया चक्कर लाया किते कोई घर जे सोहना मिलदा गरीब मिलदा गरीब है सोहना हैगा गरीब है सोहना जे सोहना है गरीब है जे सोहना है तो गरीब है तो जे गरीब है तो सोहना नहीं अमीर है तो सोहना नहीं है घर वड्डा नहीं है कुल उच्ची नहीं है जे सोहना है गल्लां मिलदियां नहीं है जदों हरिमंदर साहब आए मत्था टेकिया देखिया इत्थे राजे महाराजे झुकदे देखिया इत्थे तां माया दी भी कमी कोई नहीं है सत्संग जी सारे पंजाब दी माया इक पासे कल्ले हरिमंदर दे इक पासे दुनिया चला सकदा हरिमंदर साहब इन्नी कृपा गुरुआं दी वरतदी है सो सत्संग जी इन्नी माया देखिया कुल कड़ी सोढ़ी कुल बड़ी उच्ची कुल है जो दर्शन किए गुरु हरगोबिंद महाराज इन्ने सोहने उच्चे लम्मे इन्ने जवान महाराज के घोड़ मारन तो सवारी दो घोड़े कराने एडे जवान से महाराज सच्चे पा इन्ना शरीर महाराज का भारा सूरबीर से सत्संग उस तरह नहीं भी मोटापा करके गए आप सूरबीर योधे से महाराज इन्ने बली जे कि महाराज वार करते होंगे तो धरती के नाल जला देना ऐ सुभाविक वार करते छेवें पास नाल धरती दिला पेंडे खां किन्ना सी अपने आप नूं समझण वाला बड़ा बली समझदा सी सूरबीर छेवें पातशाह मेरे अगे कितने टिक जाणगे टिक ही नहीं सकदे महाराज कहिंदे कर फिर वार तीन वार तू करेगा तैनूं वार करना नहीं आउंदा असीं दसदे हां वार किवें करना इक्को दे विच कहिंदा हाय मां मर कहिंदे हुण मां नूं याद ना कर अल्लाह नूं याद पला हो जाए एडे सूरबीर सी गुरु हरगोबिंद महाराज सारियां गल्लां चंगियां लगियां तां महाराज तुहाडा साहिबजादा पसंद आया घर पसंद आया धन पदार्थ बहुत सब कुछ इह गल दी कमी नहीं असीं सोचिया दीवान चंदू दी लड़की राज करेगी आनंद च रहेगी खुशियां सहित रहेगी करके जदों गए वापस दीवान चंद नूं कहिंदे ने बड़ा वधिया घर मिलिया बड़ी उच्ची कुल है बड़ा घर तनाड मीर बड़ा माया दी तां कमी नहीं धन पदार्थ रुलदे फिरदे नूं घर दे विच महल वाड़ियां बहुत वड्डियां वड्डियां ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ ਚਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੋਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਾਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ
संगतां ने गल सुनी, गुर की निंदा सुने ना कान। सिख हो जिहड़ा गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, जिहड़ा सुन ले कोल खड़ा आपां नूं गिलणा आप ही करेगा भरेगा। ते तू दातां लैण वास्ते गुरु तों भी अरदास करो ते दातां दे गुरु, बाहर भेजे तेरे बच्चों नूं सैट कर। गुरु नूं कोई जो मर्जी बोली जाए आपां की लैणा, क्यों नहीं लैणा, पर सिख नहीं गे गुरु दे। आपां उन्हों कहना चाहिए जां पै साइड ते हो जाए भी करन दे, आपां नूं सुन नहीं सकदे, जां फिर नाल दी नाल ही काम करें। बई जबान सवाल अपनी, जे गुरुआं नूं हुण दुआरे बोलिया ना अपना साब ला। वो एक निहंग सिंह ट्रेन च सफर करदा सी, वो एक बोलन लग गया दसवें पातशाह इंज सी, दसवें पातशाह इंज सी, मारदे सी वो करदे। निहंग सिंह कहिंदा जबान सवाल अपनी मूर्खा, दुआरे ना बोलनी सच्चे पातशाह, ओदा तां देण ही नहीं दे सकदे सी। कहिंदा बोलांगा मेरी कड़ा लत्त वड लैणगे, कहिंदे लत्त भी वड लैंदे हुंदे ने। वो हटिया ना, फिर पाई सी पांच फुटी, फिर कड के नाल दी नाल पट मारिया लाग के चलिया। जज कहिंदा भी क्यों, कहिंदा तुहाडे सामने तुहाडे बाप दी कोई दाढ़ी नूं हत्थ पावे, आ जिहड़े कहिंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बेअदबी, मारना नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए, पलोस के अंदर वाड़ो, फिर उन्होंने कहो बेअदबियां करो, एक दो नाल होएगा ना काम जा इस तरह, फिर जरूरत नहीं पेगी, हिया नहीं पेगा, मैं गया तो मेरा भोग पै जाना, होना चाहिए इस तरह, ता ही रुक सकता काम। इस करके सो साध संगत जी, पिता की तुहीन असीं सुन नहीं सकते। संगत कहिंदी महाराज चिट्ठी लिखदे ने, बेनती है ये पापी दे घर का दुष्ट की लड़की का रिश्ता नहीं लेना, ये आप चबारा बनता है, गुरु घर नूं मोरी बनता है, जे चबारा ही बनना है वड्डिया नाल ला ले मत्ता मत्था जोड़ ले मेल किते वड्डिया नाल, फिर जरूरी गुरु घर ही रिश्ता करना है ना। उधर शगन लैके लागी आ गई, इधर चिट्ठी पहुंच गई, मार कहिंदे बाबा बुढ़ा जी पढ़ो चिट्ठी। भाई गुरदास इंज लिखिया दिल्ली की संगत ने, महाराज इंज बोलिया इन्हें, मार कहिंदे अपना शगन का समान इकट्ठा करो, असी संगत का वचन नहीं मोड़ सकते, बाकी सब कुछ मोड़ सकते हैं, संगत का वचन नहीं मोड़ सकते। जे वड्डा है तो अपने नाल वड्डियां दे नाल जोड़ ले रिश्ता, नाल रिश्ते तो बराबर दे सोहणे लगदे ने, एक गरीब होवे एक अमीर होवे रिश्ते थोड़ा हो, कल नूं फिर ताने मेणे मारी जाणगे तुहाडे कोल की सी, रिश्ते बराबर दे सोहणे। असी अपने वर्गा गरीब घर ही वेख लांगे, उधर ही कर लांगे, उन्हों कह अपना तगड़े वाली कर ले रिश्ता। महाराज ने जवाब दे दिता, वापस शगन का समान लै गए, तो चंदू ने जो दस्या भी महाराज ने जवाब देता है, बड़ा गुस्सा आया उन्होंने सास ने, पर फिर चिट्ठी लिखता है महाराज एवें दी तां गल कोई नहीं, लोगों ने तो एवें सुनी सुनाई वधा के तुहाडे अगे गल कीती है, पर मैं इन्नी तुई नहीं तुहाडी कोई कीती। फिर थले लिखता है चेतावनी, जे मेरी लड़की का रिश्ता ना लिया वेख लो फिर किहड़े भाव बीती तुहाडे नाल, औखा हो जाणा, जे लै लोगे तो सारे काम बन जाणगे, क्योंकि मैं सरकार का दीवान हाँ। महाराज ने चिट्ठी पढ़ी, महाराज कहिंदे रिश्ते तो प्रेम नाल चलते ने, कि साध संगत जी दबकियां नाल रिश्ते चलते होंगे, ये तो प्रेम नाल चला, प्रेम नाल रिश्ते बनते ने, प्रेम नाल ही चलते, किन्ने दिन चलणगे दबकियां, प्रेम नाल चलते होंगे महाराज, कहिंदे दबकियां नाल रिश्ते नहीं बनते, नाले संगत का कहना असीं नहीं मुड़ सकते। महाराज ने भी दुबारे चिट्ठी लिखी सी, असीं अपने साहबजादे का रिश्ता कर दिता है, डल्ले का निवासी नारायण दास उहदे नाल कर दिता है, हुण असीं उह रिश्ता मोड़ नहीं सकते, ते तेरा लै नहीं सकते, इस करके बाकी जो तू करना है कर लै, ये गुरु नानक का घर है, जिवें दा बीजेंगा उवें दा ही वड्डेगा, जिवें दा कोई करेगा ना गुरु घर आकर, गुरु साहब सहिने शांत ने, बिल्कुल बहुता बीजा जाना है साध सिंह ने, वड्ढना फिर उन्हें आप ही पैना। सो चिट्ठी गई पढ़ी, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा कुछ बोलिया महाराज ने, वाद काट हुण मन जे खोर रखी गई, कई रखी जांदे ना अंदर च खोर, ओ
पंदर खोर रखी गया, कन भरदा रहा उत्थे जहांगीर, कदी कोई गल तै कदी कोई गल। जिहड़ा सुलभी खां सी ये लाहौर दे परगणे दा जिहड़ा मामला इकट्ठा करदा सी, इहनू कहिंदा वी तू थोड़ा जिहा उधर नू गेड़ा कट हरिमंदर साहब नू। एक तां उहने अपने भरा दा हक मारिया प्रीथी चंद दा, दूजा वह गलत काम करदा। गुरु साहब नहीं कहा मेरी धी का रिश्ता भी नहीं लिया, बड़ी लमोशी हुई है गलिया दे विच, मेरी तुहीन हो रही है, लोग गल्लां कर रहे ने इहदी धी का रिश्ता नहीं लिया महाराज ने। वह सुलभी खां साध सिंह जी चढ़ के आया, महाराज को खबर आ गई गुरु अर्जन, महाराज वह चढ़ के आ रहा है। महाराज कहते चढ़ के तो पहला भी आया सी पहला जो महाराज छड़ के वडाली तुर गए सी, ते वडाली गुरु हरगोबिंद महाराज का अवतार होया सी। हुण 6-7 साल बाद फिर आया, महाराज हुण भी हरिमंदर साहब छड़ना चाहिए? महाराज कहते नहीं, हुण नहीं छड़नी, आउण दो, राह दे विच ही निबड़ जाएगा, पहुंच नहीं सकेगा हरिमंदर साहब। सो साध संगत जी, जदों ये सुलभी खां प्रीथी चंद को रुकिया, ते प्रीथी चंद ने इटां दे आवे पाए सी वेखण वास्ते लै गया नाल, वो इटां पोलियां सी राख जी सी, वो राख दे उत्ते पैर गया विच इटां दे आवे दे विच, सड़ गया, जिउंदा सड़ गया। ते महाराज नूं खबर मिली उह तों, महाराज राह च ही निबड़ गया, तुहाडे सत बचन ने राह च ही भोग पै गया उहनां दा। मार कहिंदे सुलही ते ना राज नराख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए मुआ ना पाक। मारे ने बाणी ते भी किया, मुआ मरेगा ना पाक होके मरेगा, क्योंकि मुसलमान जे अग च सड़ जे उन्हां दा कोई बंदा, उन्हू अधगति मौत समझदे ने, बेमौता समझदे ने, ना पाक समझदे ने, गलत समझदे ने। मारे कहिंदे मरिया भी ना पाक होके मरिया, गुरु घर नाल वैर करन नाल। फिर साध सिंह जी ये जहांगीर बादशाह, अजकल दे दिन सी गर्मियां दे, बादशाह लोग घूमते ने ठंडे इलाकों में, जम्मू कश्मीर जाना है, तो ब्यासा नदी ते डेरा किया, इत्थे दीवान चंदू मिल गया, आप ही बादशाह दे घोड़े चरा ले ते रस्त पानी चरा लिया। कह लगे जी तुहाडी चोरी हो गई, किन्ने कीती है? मैं मालक हुआ, सरकार हो गई साड़ी दुनिया ते, ते साड़ी ही चोरी कर दे कोई। कहिंदे केगा अर्जन नाम दा ताड़वी ये लिखिया, देखो चंदू ने ऐसे बोल बोले महाराज ने, वो लुटेरे रखदा सिखां नूं लुटेरे कहिंदा, ते वो इस तरह लुटदे ने पैसे लोकां नूं, उत्थे जाके उन्हां नूं दे दिंदे ने। मारे कहिंदे ये कौन ने? कहिंदे गुरु नानक दी गद्दी। कहिंदे गुरु नानक तां फाजल औलिए पैकंब पहुंचे हुए, आप खुदावंत सी महाराज। गुरु अमरदास महाराज नूं साडे वड्डिआं ने, अकबर बादशाह ने कुछ सेवा भी की थी, जमीन दी खुश हो के उन्हां दी सेवा, लंगर तो खुश हो, ते गुरु नानक ने साडे वड्डिआं नूं, बाबर ने उहनूं राज दित्ता, बादशाहियां दित्तियां, इस तरह हो ते नहीं सकदा। चलो जे उन्हां कोल कोई घाट है आपां सेवा होर कर देंगे, ये लिखिया गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। अणसुणा जिहा कर दिता बादशाह ने। फिर जिहड़ा सुलभी खां दा भतीजा सी, सुलही सुलभी खां, वह सुलही खां सी, ये सुलभी खां, ये चढ़ के आया, ते दीवान चंदू कहिंदा उधर मेरा बदला लैणा, मेरी धी दा रिश्ता नहीं लिया। कहिंदे गल ही कोई नहीं, दस की करना है? कहिंदे बस लुट लो हरिमंदर साहब नूं, मार दो सारिआं। कहिंदे कोई गल नहीं। महाराज नूं कहिंदे महाराज इस तरह, महाराज कहिंदे कोई गल नहीं। जदों साध सिंह जी रस्ते च आया ना, ब्यासा पार कीता ने, ते अगे पठान मिल गए। पठान कहिंदे वी तेरे चाचे ने साडियां तनखावां देणियां ने 1 साल दियां, साडा खर्चा पाणी रुकिआ सारिआं दा, तनखावां दे। कहिंदे चलो मैं आ के ना हिसाब तब जे होया ते लैणा देणा दे दांगा। कहिंदे हुणे दे साडा हथ बड़ा टाइट, 1 साल तो तनखावां नहीं मिलिया। कहिंदा मेरे कोल कोई पैसे नहीं है। जाओ बादशाह कोल शिकायत कर दो, जाके फरियादी हो। कहिंदे जे इह गल है, फिर पठाणा ने कढ लियां तरवाणा, सिर कलम कर दित्ते, उह राज ही भोग पै गया भतीजे दा भी, जिहड़ा हरिमंदर साहब चढ़ के आउंदा। जदों जदों वी किसे ने वादा कीता साध सिंह जी, उहदा खात्मा ही होया।
खुरा खोर मिटिया हुंदा नामो निशानी दुनिया ते रहा जिन्हें हरिमंदर साहब ते गुरु घर ते वादा किया। सो कहिंदे चुगल खोर ना चुगलियों बाह जांदे गल कहिंदी कहिंदी कह जांदी। चुगलखोर नूं जिन्ना मर्जी समझाओ साखियां सुना सुना के उन्हें ने चुगली करनी करनी, फिर जहांगीर बादशाह दे कन्न भरी जांदा है वो वेखो जी इस तरह है जी इस तरह है बहुत गल्लां कहियां उन्हें। फिर बादशाह दा पुत्तर सी खुशरो नहीं बनी पुत्तर नाल ते घरों कढ दिता ते लोकां नूं कहा बादशाह दा हुक्म है कोई इहदा सत्कार ना करे कोई अन्न जल ना दवे इहनूं कोई। ते जदों खुशरो तरन तारण साहब आया गुरु अर्जन देव महाराज तरन तारण साहब सी ते मत्था टेकया जाके महाराज नूं सारी गल दसी वी मेरे नाल इतना धक्का कीता मेरे प्यो ने। महाराज कहिंदे लै 5,000 माया उस वक्त दी 5,00,000 मुकाबला नहीं करेगा 5,000 तेनूं सहायता देने 5,000 माया लंगर पानी छक कोई गल नहीं। यह घर वो है किसे बादशाह दी किसे राजे महाराज की परवाह नहीं करनी। आ कोर्ट विच ना कोविड विच आपां पट्टियां बन्नियां ने सारे ने मुंहां ते ना बन्नोगे तां फिर धक्के नाल बनाउणगे। कोविड विच तुसीं हरिमंदर साहिब कड्डो संगत किसी दे मुंह ते अलॉट लिख के लाया किसी ने मास्क नहीं थे लाना। एक घर किसे सरकार की परवाह थोड़ा करदा है ये तो सरकार बनाने वाला है इतों तक भीख मंगते ने नक्कां रगड़ रगड़ के जे ये घर भी फिर कहदा घर होया ये तुम हो सब राजन के राजे ये तो राजे बनाने वाला है। कोविड विच असीं आप गए हैं सत्संग जी गुरु रामदास महाराज का प्रकाश दिहाड़ा सी ते इन्नी संगत बिना मास्क दा कहिंदे जे फिर इत्थे भी डर रहना फिर दुनिया च कितें ठीक भी नहीं हो सकता। ये वो घर है नाले साध संग जी ऐलान भी किया सी आ बंगला साहब तो रोज कही जाते ना पट्टियां बन के आओ पट्टियां बन के आओ। हरिमंदर साहब कभी एक दिन भी ऐलान नहीं हुआ कोविड विच पट्टियां बन के आओ। इस करके सो साध संग जी जो खुसरो बारे दीवान चंद नूं पता लगा तो उन्हें फिर कन्न भरे वेखो तुहाडे हुक्म की तालीम नहीं की। मैं कहिंदा सी ना चोड़ ताड़वी है डाकू वो तो तुहाडे पुत्तर नूं भी पनाह देंदा पिया लंगर पानी छकाउंदा पैसे देंदा। बादशाह ने जो कन्न भरे तो कह लेंगे हुणे इहदी इह बुलाओ हुणे इहदी इह भेजो उत्थे 2,00,000 जुर्माना लगना चाहिए इहदी आ गए हरिमंदर साहब कहिंदे महाराज 2,00,000 जुर्माना दो जां पेश होवो उत्थे। फिर महाराज कहिंदे जाके सनेहा ला दो असीं पेश होवांगे जाके चंदू नूं भी दस्सिया उन्होंने ने चंदू ने अगे फिर गल पेश की ओ देखो तुहाडे सनेहे नूं बेगौर कर दिता उन्हें कोई डर नहीं है तुहाडा उन्हें ओ ना उन्हें पैसे दिते ना कहिंदा आउणा है मैं वेखो चुगलखर तां इस तरह ही फिर करदे हुंदे ने कम्म अंदरों कढ रिहा साध संगत जी जिहड़ा रोस है रिश्ता नहीं लिया फिर कन्न भर दिते कहिंदे कोई गल नहीं थोड़े दिन डीक लैने जहांगीर बादशाह कहिंदे ते जे ना आए तां फिर बुला लांगे। इधर गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास नूं साडा टाइम आ गया हुण वक्त अंत शरीर छड्डण दा टाइम आ गया सारिआं नूं समझा दित्ती सेवा साडे बाद ते भाई गुरदास नूं बाबा बुढ़ा जी नाल लै के कहिंदे गुरता गद्दी दे योग साहबजादा बाबा बुढ़ा जी कहते हाँ महाराज पूरी तरह योग ने कहते फिर गुरिया ही दो। बाबा बुढ़ा जी ने तिलक लाया पंजवें पातशाह ने 5 पैसे नरेर रख के 3 परिक्रमा करके मत्था टेकता तीरज रख दी भी साढ़े नाल नहीं किसी ने आना 5 सिख ले बाबा बिधि चंद भाई जेठा भाई प्राणा भाई लंगाहा भाई पैड़ा 5 ये 5 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਜੋਗ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਮੇ ਸੁਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ
ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਇਆ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੈਰ ਪੁਣਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਕੰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਧਰਮ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੜਛੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੜਭੂੰਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੜਭੂੰਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਦ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਚਹਿਰੀ, ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ 2 ਲੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।
मर के जो मर्जी कर ले पर एक गल ही खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोआए जिवें बीजेगा ना वड़ना पैना मित्रा कर ले जो मर्जी मन मर्जी जिवें तेन जी करदा कर ले घर गया सोची गया रात नूं किहड़ा तसीहा दे सवेरे आया वड्डा देगा रखिया अग बाल बार के अग वर्गा पानी कर दिता फड़ो पांच सत जने महाराज नूं विच बिठाओ महाराज कहिंदे बिठाउण दी लोड़ नहीं असीं आप बह जांगे महाराज उबलदे पानी विच थल्ले अग लट लट करके बल रही चौंकड़ा मार के विच बह गए देगे दे विच एडे एडे देगे हुंदे सी वड्डे वड्डे ते अपने सर्वैस रूप विच जुड़े हुए ने सच्चे पातशाह जे सानू बाणी च बाणी नाल जुड़िया है ना दुख सुख विच बाणी तो जरूर नहीं जाना आप भी उबलदी देग विच बाणी नाल जुड़े हुए ने सो साध संगी तसीहा दिता कहन लगे अजे भी मन जो वेख लो मार कहिंदे तू जो करना कर लै पर असी तेरे नाल रिश्ता नहीं जोड़ना दूजे दिन फिर साध संगी कहिंदे गर्म रेत करो गर्म रेत मार नूं लिया के रेते च खिलारो आ जिहड़े हुण दिन ने ना गर्मियां दे बंदा तां वैसे ही नहीं आ पक्का जिहा थां होवे उंज ही डंगे पैरी खड़े तां ही नहीं माण ते रेता किते राजस्थान जाना पै जाए ना अज कल तुरन तुरिया नहीं जांदा रेते च इस करके सुसाध सिंह जी उह तां गर्म कीता गया रेता मार नूं खिलार कहिंदे मन जो मार कहिंदे नहीं कहिंदे मना तां मैं फिर भी लैणा है तुहाडा घर बार सारा लुट लैणा है तुहाडे साहिबजादे जो सख्ती वरती ना मैं मन उहनूं मनणा उहनूं फिर भी पैणा रिश्ता लैणा उहनूं फिर भी पैणा मार कहिंदे उह तां बाद दा टाइम दसेगा गर्म रेते ते खिलारिया फिर बिठाया फिर गर्म रेत सिर ते पाई ये दूजा तसीहा फिर साध संगी तीसरा तसीहा अगले दिन देना रात नूं चंदू दी नूं सिख परिवार दे विचों सी उहनूं पता लगा मेरा सहुरा बड़ा पापी बंदा है कुछ भी नहीं दिता गुरु मां आ जिहड़ी सपील चली अपनी ठंडे जल दी नाल कुछ आपां छकाने आ ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਲਓ ਦੱਸਣਾ ਨੀਗਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਈ ਮਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਮਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਖਾਧੇ ਮਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ जो हो रहा उन्हें हुक्म में हो रहा महाराज मेरा कोई वस नहीं चलता मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज आ छक लो महाराज कहते नहीं शाबाश तेन पर असी इन्हें घर का छकना नहीं है छकिया नहीं सी ना मर ने जल छकिया ना जो भी बना के लियाई सी वह भी नहीं छकिया मान दो बारी आई है चंदू दिन पहली बारी उदो आई है तीसरा दिन सवेरे चढ़िया आ गया दीवान चंदू कहिंदे अजे भी मन जो नहीं तो वेख लो तत्ती तवी अग वर्गी करके लाल लाल बिलकुल इन्नी अग बाली तत्ती तवी ते बिठाया जाना है मर कहिंदे जो मर्जी कर ले कहिंदे मन जो चंगे रहोगे कहिंदे मर कहिंदे नहीं संगत दा कहना नहीं सी मुड़ सी फिर तत्ती तवी ते बैठो मार कहिंदे मंजूर है तत्ती तवी ते बैठ जिवें बंदा आम ही बैंदा है उवें महाराज कोई डर पाओ नहीं जिवें रोज हरिमंदर साहब तख्ते सजदे गुरता गद्दी जदों सजे ते नाल दी नाल जदों मास लगा ना अग वर्गी तवी नूं चलो अग वर्गी तवी लाल हो जांदी है तां तवे हुंदे ना घर तवे प्रशादे बनाउण तों बाद माड़ा जिहा हथ लायो इंज इंज ला के चुक लियो माड़ा जा महसूस हो जाएगा भी ये गल कहनी सुननी बड़ी सौखी है साध संगी पर जिन्हां ने साडे वास्ते तसीहे चले ने ही जानदे तवे ते हथ रख के वेख लियो अज किड्डा कोई दुख हुंदा है तत्ती तवी ते बैठे सारा मास चढ़ चढ़ करदा पिया सड़न लग गया पट्टां दा मास लत्तां दा मास आ कई कहिंदे फुल्लां दे अंगारे बन गए इस तरह हो गए ये मन घड़त गल्लां ने कुछ नहीं एवें दा
रेत दे कोई फुलां दे गारे नहीं बने, रेत भर भर के उमी गर्म पड़ पूंजे ने पाए कड़छे भर भर के उत्ते रेत थले गर्म तवी। धन गुरु अर्जन देव मारे। साई मियां मीर जी नूं पता लगा, साई मियां मीर जी आया कन्ना नूं हथ ला के तौबो तौबो इन्ना कह इन्ना जुल्म हो रहा अखां भर लियां साई मियां जिन्हां नूं दर्द है उन्हां दी अज वी अखां भरियां जा सकदियां सस जिन पीड़ है गुरु महाराज की शादी कह लगे तुसीं कुछ विखाउंदे क्यों नहीं कहिंदे सब हुक्म च हो रहा होण दो जिवें हुंदा ये जिहड़ा शब्द है ना महाराज ने आपां कहिंदे आ वी महाराज ने उदों उचारिया हर का नाम हृदय नित्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा संभाले तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मन। पर महाराज ने पहला उचारिया उदन महाराज साई मियां मीर नूं समझाउणा चाहुंदे सी उदन फिर कहिंदे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मन। कहिंदे साईं जी जे तुसी गल कहिंदे हो वी तुसी क्यों जा रहे हो कुछ विखाउंदे क्यों नहीं। कईआं विद्वानां ने कहा कहिंदे ओह काशल झाती मार 33 करोड़ देवी देवता हाथ जुड़ के खड़ा एक बारी आग्या दे दो हना कर देंगे खत्म कर देंगे सब कुछ। पर नहीं ये जुल्म दियां जड़ां भी तो पुटनियां ने ना जुल्म भी तो खत्म करना। शहीदों के सरताज इतों शहादत शुरू होंदी है तां शहीदों के सरताज एड्डी वड्डी शहादत शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव महाराज ते शांति दे पुंज तत्ती तवी ते उबलदी देह विच गर्म रेत पै रहा शांति तेरा किया मीठा लग बाणी के बोए। अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जुड़ बैठे हो ये बाणी के बोए तो ही ने सच्चे पातशाह ते पर जे बाणी दी विचार भी करांगे पहले पातशाह दे 973 शब्द दूजे पातशाह दे 62 तीजे पातशाह दे 907 चौथे पातशाह 679 पंजवें पातशाह दे 2218 ते नौवें पातशाह दे 123 बाणी भी ज्यादा दर्ज है बाणी के बोहित धन गुरु अर्जन देव महाराज। सुसा सिंह जी साई मियां मीर जी तुर गया भाई पुराना अगे हुंदा है भाई जेठा उन्हां नूं डांगा मार मार के पिछे कर देंदे ने क्योंकि प्यार है गुरु नाल असीं तत्ती तवी ते बवांगे असीं उबलदी देह विच असीं रेते ते बवांगे साडे उत्ते गुरु रेत उत्ते नहीं पएगा साडे उत्ते देख आप रेते ते पवांगे असीं उन्हां नूं वी डांगा मार मार के पिछे कर भाई पुराने तुरिया ना गया जे मैनू गुरु आग्या दे दे मैं लाहौर ते दिल्ली दी टकड़ा कड़का के फना कर दांगा। ते गुरु अर्जन देव मन सुनिया भाई पुराना जी ये कित्थों आई पावर शक्ति कित्थों आई मर तुहाडी सेवा कर तुहाडी सेवा करके इन्नी शक्ति आ गई साडे ते किन्नी होएगी पता। हाँ महाराज तुसी तां आप समूह शक्तियां दे समुंदर हो कोई बयान ही नहीं कर सकता फिर असी की नहीं कर सकते हुक्म विच होण दो जिवें वेखी जाओ जिवें हो रहा ये तसीए दे दिते फिर मार नूं बंद कीता रात सोचदा रहा अगला तसीआ किवें दवां किहड़ा दवां इन्ने तसीए दिते ने भयानक तो भयानक मन्ने फिर नहीं तहीन मेरी है लोकां दे विच सारिआं दे विच संसार विच चंदू दी लड़की दा रिश्ता नहीं लिया नमोशी विच डुब्बिया होया मेरी इन्नी इनसल्ट मेरी इन्नी बेइज्जती किवें ओह पूरी करां मैं। फिर सोचिया भी गऊ दा ताजा मास ला के ना गऊ जिउंदी दा ताजा चमड़ा ला के सारे शरीर दा मास सड़िया होया तत्ती तवी ते बह के उबलदी देह विच तां सारे छलनी छलनी हो गया सी ते तत्ती तवी ते बह के सड़ गया सी ते जदों कच्चा मास उत्ते चढ़ावांगे धुप विच बिठावांगे जिवें जिवें सुकेगा वह सुंगड़ेगा ते दर्द होएगी। ये तसीए नाल भावें मनन चंदू दी नूह ने सुनिया दूजी बार फिर आई रात नूं अपने गहने दे के सिपाहियां नूं महाराज मेरे सहुरे पापी ने चंदू ने बड़ा कहर कमाउणा कल नूं तुहाडे ते गऊ दे कच्चे मास विच तुहाडे शरीर नूं मड़ना महाराज मेरा वस नहीं पैंदा मैं की करां धीए कोई गल मत्था टेक के टुर गई
महाराज मैं तुहाडे सिख दी लड़की हाँ, पर उन्हें पापियां दे घर मेरा वासा होया, मेरा तो कोई जोर मत्था टेक के तुर गई कह के मारन। सवेरे आया चंदू, कहिंदा महाराज मन जो हजे भी टाइम है, गऊ का कच्चा मास मंगाया है, उन्दे विच तुहाडा शरीर मलना है, धुप विच बिठाना है, जिवें जिवें सुकेगा फिर जो बीतेगी तुहानूं ही पता होगा, घर तुहाडा मैं लुट लैणा, तुहानूं मार के भी हरिमंदर साहब लुट लैणा है, तुहाडे साहिबजादे नूं जे मन्नेगा ठीक है, नहीं तां मैं मार देणा उहनूं, इह भी लिखिआ जे ना उहने रिश्ता लिया फिर भी मैं खत्म कर देना है, उहदे नाल बेहतर है तुसीं मरन जो मार के दिंदे, असीं नहीं करदे, तू जो करना कर लै, पर एक शर्त, सानूं इशनान कर लैण दे रावी च, पता सी ना मारन, चंदू दी नूं दस गई कहना बहुत वधिया मन च सोचा सड़िया मास है सारे शरीर का, जो पानी लगेगा जहर तरह लगेगा, यह वधिया होया। महाराज कहिंदे साढ़े पांच सिख भेज दो, भाई बिधी चंद, भाई जेठा, भाई पुराणा, भाई लंगाहा, भाई पैड़ा, बाकी सिपाही भेजे तेरी मर्जी है, दस सिपाही भेजे नाल, पांच सिख हो, वह मोढ़ा ला के महाराज तो चलिया नहीं ना जाता, एक ने भाई पुराने ने भाई जेठे ने उधर मोढ़ा लाया, बाबा बाबा विधी चंद ला लेंदा मोढ़ा, भाई पैड़ा ला लेंदा, भाई लंगाह ला लेंदा कदी मोढ़ा, नाले रोंदे ने उच्ची उच्ची भुब्बा मारदे ने, गुरुआं गुरु महाराज का शरीर का जिहड़ा दुख है वेख्या नहीं जांदा, विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद, बाद फिरे अपने बिर ही ना करो, रो रहे ने साडे हुंदिआं गुरु महाराज ते इन्ना कुछ होया, महाराज कहिंदे भाणा मन नूं सिखो कुछ नहीं ठीक हो रहा कोई, इस करके अगे महाराज रावी च उत्थे इशनान करके बह गए महाराज कंडे, जपजी साहब का पाठ तीन क्या किया महाराज, महाराज कहिंदे असी अपने शरीर का परित्याग करन लगे हाँ, साडा शरीर जल प्रवाह कर देना, ये लिखिया कई उत्तर वाले पासे साडा सिर मुख होएगा, दक्षण वाले पासे साडे पैर समझ के साडे दर्शन दीदारे करने, सत बचन महाराज घर जाके धीरज देनी है, बाबा बुढ़ा जी नूं समझाउणा है, भाई गुरदार नूं साडे साहिबजादे नूं धीरज देनी है, माता गंगा नूं धीरज देनी है, ठीक है महाराज ते कहिंदे ने महाराज कुसा दा आसन ला के उत्थे लम्मे पै गए, शरीर का त्याग कर, कई ने कहा चुभा मारिया महाराज वापस नहीं आए, पर यह जिहड़ा असी कथा पढ़ी उहदे विच इह लिखिआ है कि महाराज कुसा दा आसन ला के लम्मे पै गए, शरीर का त्याग कर दिता, तो सिखां नूं कहा सी जल प्रवाह कर देना, ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना, कई ने कहा महाराज ने जो चुभा मारिया वापस नहीं आए, उपदेश दे दिता सिखां नूं भी कहता बाबा बुढ़ा जी नूं हुण शांति दी हद हो गई है, हुण कल्ली पीरी नाल नहीं सरना, हुण मीरी भी चाहीदी है, मूर्ख को समझाण समझाने के लिए डंडा प्रदान है, जुगत डंडा प्रतीत, हुण वह भी जरूरी है, वो छेवें पा बाबा बुढ़ा जी ने सारी विद्या दित्ती है, 64 विद्यावां सिखाईआं ने सारी शास्त्र विद्या सब कुछ पहला ही निपुण किया हुआ सी, छेवें पातशाह महाराज सूरबीर दे वर दिते हुए सी, बट योद्धा बहु परोपकारी बड़ा वड्डा योद्धा, इस करके सुसाध संगी महाराज अकाल पुरख दे विच भेद हो गए, क्योंकि अकाल पुरख का स्वरूप ने गुरु अर्जन प्रतख अपने स्वय स्वरूप विच अकाल पुरख स्वरूप विच सच्चे पातशाह लीन हो गए, ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना, इस तरह जो जल दे विच जल दीआं तरंगां उठदीआं ने फिर विच समा जांदे, इस तरह काल पुरख विच, सो ये अज दी महाराज दी शहादत वाले दिन वाले शहादत दी कथा कीती है, सो गुरु दा इतिहास वाचदे आं सुणाउंदे आं, अनेकां प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां होईआं, गुरु दा संगत गुरु का रूप है बख्श देना, अगे तो महाराज बख्श देन, अगे तो समत बख्श करन, सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने बड़े प्रेम नाल बह के गुरु की कथा सरवण कीती, तुसी बैठे हो असी सुना रहे हां इतिहास पूरा कर, जे सारे उठ जाण फिर सुनाउण वाला भी कहिंदा भी कोई है तां नहीं मैं सुनाणा किहनूं आपां, भावें गुरु अर्जन देव महाराज हाजर नाजर ने आपां गुरुआं नूं भी सुना सकदे,
अपनी हाजरी लग जानी उन्होंने घर चरणों के पर तुहाडा बहुत धन्नवाद। पर अजकल आ खेतीबाड़ी के भी दिन चल रहे ना फसलों के हुण पानी छड़ने ने ते अपनी थां सारे ठीक ने जिमीदार वीर काम कार धंधे सामने ने सारे ने। सो सारे का धन्नवाद जिन्होंने सवेर तो लैके अमृत वेल तो लैके हाजरियां भरिया ने। महाराज चढ़दी कला बख्शिश करे जी, इन्नी कु हाजरी बेनती प्रवान करियो, हुई भुलां दी माफी। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन, जपियो जिन अर्जन, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। स्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म अधूर, करमी आपो अपनी के निणै के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुके उजले केते छुटे ना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुदया।